हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम सुबह से देख रहे हैं टीवी में रिपब्लिक डे। वैसे हम दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही हो रहा है, हम जा सकते थे वहाँ परेड देखने के लिए, बट ना वहाँ इतनी भीड़ होती है, सब हमको ही पकड़ लेते, इसलिए हम नहीं गए। तो यहाँ पे हम टीवी में ही देख रहे थे। फिलहाल अभी सभी रेडी भी हो चुके हैं। और देखो भाई, सामान देखो यहाँ पे कितने सारे बैग हैं, क्योंकि हमको शादी में जाना है ना, आज भी शादी में जाना है, कल भी शादी में जाना है। तो इतने सारे बैग, इतने सारे कपड़े हो गए, सारे सामान ऐसे फैला हुआ है हमारा। ये देखो, मम्मी रेडी हो गई है, सहेल रेडी हो गया, पापा जी रेडी हो गए, मैं रेडी हो गया, और पीयू से भी नहाने गया हुआ है। तो हम यहाँ पे टीवी पर देख रहे थे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम। यहाँ पे देखो हमारे माननीय मोदी जी भी हैं, ये मस्त हाथ सबको हाथ फैला रहे हैं। चले मम्मी, तो भी गाइस रूम से निकल गए। मेरे को खुले खुले होटल अच्छे लगते हैं, जहाँ से कुछ दिखे, जैसे वहाँ था, कितना अच्छा लग रहा था। तो मम्मी को पहाड़ों वाले होटल पसंद है, खुले खुले, यहाँ सीढ़ी है नीचे जाने को। तो भी गाइस, हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे पीछे हल्दीराम है ना, यहीं पे चलते हैं। आलू पराठा। तू क्या है? छोले कुलचे। 24 स्पेशल डोसा। गाइस, आज रात को हमको जाना है शादी में, लेकिन हम शादी वाले घर में नहीं जा पा रहे। कल हम शादी वाले घर में गए थे, वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पे। तो अब हम सीधा बैंकेट हॉल में ही जाएंगे, हम उनके घर पे नहीं जा रहे। घर पे जाने में वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। और अभी टाइम देखो भाई, 1 बज गए हैं। तो गाइस, मैं तो खा रहा हूँ मसाला डोसा। तो गाइस, मेरा तो डोसा फिनिश हो गया, लेकिन मम्मी लोगों का पराठा नहीं आया अभी तक। लो भाई, आपका पराठा भी आ गया। तो खाने के बाद पीते हैं मस्त चाय। और तो भी गाइस, खाना खा के आ गए, आप चलते हैं सीधे यहाँ से होटल और रेस्ट करते हैं, क्योंकि रात को जाना है शादी में। और हम पैदल पैदल चले गए थे बाहर खाने के लिए। कमरे के अंदर नहीं जाना है, करके जो फ्लैक्स की लगाई तूने गेट खोलने के, तू लाया लास्ट में यहाँ से लेके गया। तो भी गाइस, एक बहुत बड़ा पॉपट हो गया। अभी हम बाहर जाके आगे, और हमारा रूम खुला पड़ा था लिटरली। और अभी लड़ रहे हैं किसने खोला था। वो लगाने से ऐसा होता है, बाहर थे और हमारा रूम खुला पड़ा, सारा सामान यहाँ पड़ा था, पूरा रूम खुला पड़ा है। और अब लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी बड़े पापा को बोल रही है, बड़े पापा पीयूष को बोल रहे, पीयूष साहिल को बोल रहे। चीजों का ध्यान मैं ही रखती हूँ, पता है। सुबह भी मैंने पहले गेट पर ही देखा था, गेट खुला, ये आए थे, मैं तो सो गई। बैग तो खुला है, तो उस दिन हरियाणा वहाँ मैं तो सो गई थी। तो भी गाइस, कुछ सब्सक्राइबर आए नीचे मिलने के लिए, तो उनसे मिलने जाते हैं। चलो, ये देखो गाइस, कितने सारे सब्सक्राइबर मिलने आए हैं। एनी हमारे डायरेक्टर साहब, ये है मिस्टर सौरभ जोशी, और ये उनके बड़े छोटे छोटे और छोटे, उससे भी छोटे, इससे भी छोटे, इससे भी छोटे, और बहुत सारे छोटे छोटे फैंस। गाइस यहाँ पे देखो भाई, क्या चल रहा है भाई। देखो गाइस, इतने सारे बच्चे हमसे मिलने के लिए आए हैं, और स्पेशली गाजियाबाद से, तो काफी अच्छा लगा सबसे मिलके। तो भी गाइस, हमारी कॉफी आ गई है, तो मस्त कॉफी पीते हैं सबके सभी। बाय। तो भी गाइस, सभी बच्चे जा रहे हैं, तो इनको बाय बाय करने चलते हैं बाहर। बाय बाय। तो भी गाइस, सभी रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। मैं तो रेडी हो गया हूँ। तुम जाओ भी शादी में, मैं नहीं आ रही। आप नहीं आ रही शादी में, तो फिर कपड़े की कपड़े कपड़े क्यों डाले? मैं उतार लूंगी, हैं, मैं उतार लूंगी, मैं इसके साथ ऐसे नहीं आऊंगी। पैजामा पहन के शादी में जा रहा है, बताइयो, लोअर पहन के जाते हैं क्या शादी में? तो लोअर पहन के शादी में जा रहे हैं। अरे यार, तो बेल्ट नहीं है मेरे पास, तो बेल्ट खरीद लेंगे। गंदी पड़ी है। पापा जी मस्त रेडी हो गए, देखो अपना कोट पैंट डाल के। अब ये क्या चल रहा है, बंद करो इसको, इसको बंद करो, क्या चल रहा है? उज्जा पजामा डाल ली, गंदी लग रही है। शादी में जा रहा है यार, कोई हुआ ना बता। पहले तो अच्छा कोट पैंट पहनता, इतने लोगों के बीच में जा रहा है, कल नहीं आज मैंने तो नहीं बोला अभी उसको। मैंने तो बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला। लोअर भी तो नहीं होनी चाहिए। कितने दिन वहाँ ना शोर कर रहे हो यार, कितने दिन वहाँ डाली है इसने ये लोअर, पता है तेरे को? तो गाइस, ये देखो सौरदा की आउटफिट ही कुछ ऐसे लग रहे हैं, नीचे पैंट है, शादी वाला आउटफिट लग रहा है। तो आपकी थोड़ी शादी है? मेरा तो कैजुअल ही है, मतलब फॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। तो भी गाइस, हम जा रहे हैं पीयूष के लिए बेल्ट लेने के लिए, बिकॉज अंदर हो रही लड़ाई मम्मी और पीयूष की, क्योंकि पीयूष कह रहे हैं मैं लोअर डाल के जाऊंगा शादी में, लोअर डाल के, उसके पास बेल्ट रही है, तो बेल्ट लानी भूल गया वो। तो अब जा रहे हैं उसके लिए बेल्ट लेने के लिए पैदल पैदल। बाहर ना एक मॉल है, तो मॉल में से ले लेंगे हम। तो भी गाइस, हम आ चुके हैं मॉल में। यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखो। तो अभी हम आ गए स्मार्ट बाजार, यहीं पे देखते हैं, यहीं मिल जाएगी हमको बेल्ट। अभी थोड़ी देर में हमको शादी में जा रहे हैं, और हम बेल्ट लेने जा रहे हैं। बेल्ट 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 बेल्ट। हाय, हम आपकी वीडियो सारे देखते हैं। आप देखते हो? और अभी वीडियो देख रहे हैं मेरी छोटी बेटी। तो फाइनली गाइस, बेल्ट मिल गया। तो एलन सोली की ये वाली मिली है, इनमें से एक के हाथ में एक फ्री वाला ऑफर था, तो वो मैंने ले ली ये वाली। तो अब करते हैं पेमेंट और चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, एक्स्ट्रा छेद भी करा लिए 3 इसमें, क्योंकि पीयूष भी डालेगा ना। गाइस, एक बेल्ट लेने आए थे, 2 बेल्ट लेके जा रहे हैं, देख लो भाई। और देखो भाई कितना मस्त लग रहा है यार यहाँ पे। गाइस, आज एक बेल्ट के लिए मुझे कहाँ का डोलना पड़ा, देख लो। जब कोई चीज़ नहीं होती है, तब उसकी इंपॉर्टेंस चलती है, पता। गाइस, कभी सोचा नहीं था लाइफ में मैं 1300 रुपये की बेल्ट खरीदूंगा। यूजुअली मैं 100 रुपये की बेल्ट खरीदता था भाई, आज खरीदनी पड़ी बिकॉज कहीं शॉप ही नहीं मिली। लेते हुए इतने रिग्रेट से, और भाई इतनी महंगी थी, महंगी, लेकिन अब ले ही ली, अब क्या करें। फिर फाइनली बेल्ट आ चुकी है, महंगी वाली बेल्ट। तो अब कॉन्ट्रोवर्सी खत्म, फाइनली पीयूष ने जीन्स डाल ली है। चलो, तो भी गाइस आ चुके हैं बाहर। फिलहाल यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आएगी फिर चलेंगे यहाँ से। चलो गाइस, गाड़ी आ गई है। तो भी गाइस, होटल से निकल गए, अब चलते सीधा बैंकेट हॉल यहाँ से।
तो फाइनली पहुंच गया जहाँ शादी है, वहाँ सामने है शादी, गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे। ये तो गाइस पीयूष को रोड में ही नाचने लग गया, ये तो क्या कर रहा है, ये तो गाइस रोड में ही नाचने लग गया, रोड में। अरे नहीं नहीं, चलो भाई चलो, भग भग के भग भग के। लग रहा है यूट्यूबर के घर में शादी, यहाँ पे शोर कम है, यहाँ पे हम ब्लॉग भी कर पाएंगे। हाँ ये खतरनाक सीन हो गया, यहाँ पे आते ही देखना इतनी भीड़। भाई फिर से भीड़ लग गई यहाँ पे, काफी सारी फोटो खिंचवाने के बाद में हम आते हैं खाने के लिए, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं पानी पूरी के लिए, अभी भीड़ लगी है यहाँ पे, पानी खुद डालने वाला सिस्टम है यहाँ पे। ओरियो कहाँ है, ओरियो ओरियो शादी में अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं हमें दे रहे थे, हम अपने घर में रख लेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो भाई, हेलो। तो भी गाइस और फोटो खिंचवा के मैं आ गया हूँ, तो मैं थोड़ी फोटो खिंचवा रहा हूँ, फिर खाना खा रहा हूँ, फिर फोटो खिंचवा रहा हूँ, फिर थक के खाना खा रहा हूँ, ऐसे दुबक के बैठ रहा हूँ। तो ये मोजिटो पी लिया है, फिर से फोटो खींचना शुरू हो जाएगा हमारा। भाई शादी में फोटो खिंचवाने आया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मीटअप कर रखा है। तो भी गाइस देखो कौन मिले हमको। हाय भाई कैसे हो, बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। लैम्बोर्गिनी में कब घुमा रहे हो आप बताओ? तो गाइस बाकी सब तो देखे जाएंगे, हम डांस करते हैं भाई, डांस इज कंपलसरी। चलो गाइस अब मेन कोर्स खाते हैं अपना। हेलो, तो भी गाइस फाइनली बारात आ चुकी है और हमने खाना पीना खा लिया, सबसे फोटोज भी खिंचवा लिए हैं। तो बारात आएगी, पारस भी ऐसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और फिर चलेंगे, क्योंकि एक बज चुके भाई, एक बज चुके, हमको मेरे को जाके एडिटिंग भी करनी है ना, और कल हमको निकलना भी है, कल हमको दूसरी शादी में जाना है। तो भी गाइस शादी से आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए। सबसे पहले दुल्हन को हम देख रहे हैं, सबसे पहले मम्मी आशीर्वाद बोलते हैं आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। एक बार आप सब मैम की साइड देख के स्माइल करना, आप सब ने मैम की साइड देख के स्माइल करना। तो भाई दुल्हन से मिलके भी आ गए, चलो भाई रोड क्रॉस करनी है हमको, हमको इतने सारे लोग ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं। देखो फाइनली गाड़ी तक पहुंच गए, तो फाइनली गाइस शादी से निकल गए, रात के 2 बज गए और अभी तक शादी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमको आना पड़ा, बिकॉज हमको कल सुबह निकलना है और मेरे को एडिटिंग भी करनी है। अब 2 बज गए, हम पहुंचेंगे पहले होटल, फिर एडिटिंग करूंगा, 4 बजेंगे आज तो। लेकिन काफी मस्त शादी थी, बहुत तगड़ा मीटअप भी हो गया आज, बहुत फोटोज खिंचवाई, मस्त मस्त खाना था, मस्त डांस किया, मस्त लोगों से मिला, काफी यूट्यूबर्स भी आए हुए थे, यूट्यूबर्स से मिला। तो फिर कल हमको निकलना है एक और शादी में, एक मस्त जगह पे, तो गेस करना हम कल कहाँ जा रहे हैं, गेस करना। तो मजा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। आज तो मम्मी जी शादी में, सब मम्मी को कह रहे कि हम कितने अच्छे लग रहे हो और सब कुछ। फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं, अब सभी चेंज करेंगे। गाइज आज इतनी फोटोज ली ना, इतनी फोटोज ली, मतलब लाइफ में उतनी फोटोज मैंने कभी नहीं ली। 9 बजे से फोटो लेने में 2:30 बज गया, मतलब एक मिनट के लिए मैं फ्री नहीं हुआ, फोटो, लेकिन मजा आया और मम्मी का डांस मस्त किया हमने। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। कल हम जाएंगे दूसरी शादी में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भी गाइस रात के 3 बजने वाले हैं, अब मैं एडिटिंग शुरू कर रहा हूँ, पीयूष यहाँ पे सो चुका है। पहली बार ऐसा हो गया कि मैं 3 बजे एडिटिंग शुरू कर रहा हूँ, अभी 4-5 सुबह के 5 बज जाएंगे, फिर सोएंगे, फिर कल निकलना भी है, बहुत हेक्टिक हो गया, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह 8 बजे ब्लॉग डालना है ना मुझे।